पुलिस की परमिशन बहुत ज़रूरी होती है कि जी हमारे फंक्शन पे रिमल शाह आ रही है। टैटू ये मोहब्बत की कोई निशानी है आपने रखी हुई है। मुझे देखे आपको लगता है मैं रो वाली होंगी? बिल्कुल नहीं। भी है या नहीं भी है? छोटे होते गलती हो जाती है, मेरे से गलती हुई थी और अभी तक दोबारा वो मैंने गलती नहीं की। टिकटॉक बनाने का बहुत शौक है। फिलहाल तो मेरा कोई भी ऐसा हीरो फेवरेट नहीं है, मैं किसी के हूँ तो वो पता नहीं। मेरा ज़ाती खर्चा महीने का 16 से 17 लाख रुपया हो जाता है। उन्होंने मुझे मारा तो उसके बाद मैंने उनसे दोस्ती ख़त्म कर दी। स्टेज की दुनिया में भी आप परफॉर्मेंस करती हैं, कहा जाता है कि आप जो मुआवजा लेती हैं वो नरगिस और तेजार से भी ज़्यादा आपने मुआवजा लिया है, बस सहेल अहमद से भी ज़्यादा मुआवजा लिया हुआ है, अमान अच्छान से भी ज़्यादा मुआवजा लिया हुआ है, सच है ये? जी हाँ जी ये सच है। बस अब कहते हैं ना कि अब स्टेज पर जैसी परफॉर्मेंस होगी आपकी वैसे ही मतलब आपको मुआवजा मिलता है, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस पर बहुत मेहनत करती हूँ तो इसीलिए बस। जी इसके अलावा आपके गले के ऊपर एक टैटू का निशान है जो बड़ा लोग पसंद करते हैं, कमेंट्स बार बार इसके ऊपर डाल रहे होते हैं, वो जानना भी चाहते हैं कि ये टैटू ये मोहब्बत की कोई निशानी है आपने रखी हुई है क्या, ये क्या इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं ये मुझे जस्ट शौक था, मैं एक दफ़ा गई सैलून पे तो वहाँ पे एक टैटू आर्टिस्ट थी, वो टैटू क्रिएट कर रही थी किसी पे ना, तो मुझे अच्छा लगा तो उसकी तरफ देख के फिर ये मैंने भी टैटू उनसे बनवा लिया। पर जी व्यूअर्स तो ये निशान किस चीज़ का टैटू है? ये विंग बना हुआ है। अच्छा, पर बना है, एक वो कहते हैं ना पर से उड़ जाती हैं तो मैं इससे उड़ जाती हूँ। अच्छा तो माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी प्यारी हैं, ऑफर्स वगैरह भी तो आपको आई होंगी बॉलीवुड से, पाकिस्तान की तरफ से, ड्रामों में, फिल्मों में, कोई है ऐसा भी वाकया? जी फिल्म्स काफ़ी आई हैं लेकिन उनकी स्क्रिप्ट मुझे अच्छी नहीं लगी, उनके रोल मुझे अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैंने अभी तक कोई एक्सेप्ट नहीं की। जो मेरे मेयार की मेरे लेवल की फ़िल्म होगी और जिसकी मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी, मुझे रोल अच्छा लगेगा, इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर करूँगी। अभी तक तो फ़िलहाल ऐसी कोई नहीं आई, बहुत सी ऑफ़र हुई हैं, बहुत से ड्रामे ऑफर हुए हैं लेकिन मुझे उनके रोल और स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने अभी तक साइन नहीं की कोई भी फिल्म। जी तो आप फंक्शन के लिए कहाँ कहाँ तक आपने ट्रैवल किया? ऑलमोस्ट सारा पाकिस्तान ही आप या बाहर के मुल्कों से भी आपको कोई फंक्शंस करने के लिए बुलाया जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा पाकिस्तान घूमी हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैंने इवेंट नहीं किया, कश्मीर से लेके सिंध तक मैंने किए हुए हैं फंक्शन, कराची हैदराबाद हर जगह मैं गई हूँ। और बाहर के ऑफ़र्स आती हैं फंक्शंस की लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि मैं बाहर फंक्शन पे जाऊं और वापस आऊं, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे बहुत फंक्शंस होते हैं तो उनका टाइम टेबल मेरे से बन नहीं पाता, इसलिए मैं अभी बाहर आउट ऑफ कंट्री का सोचती नहीं। अच्छा रिमल शाह मेरा एक सवाल दोबारा से मैं रिपीट करूँगी, व्यूवर जो उनसे वो जानना चाहते हैं, इतने खूबसूरत हैं, आपने लड़कियों को भी पीछे छोड़ा हुआ है, लड़क हुसन में इतना आप माशाल्लाह से इतना आप आगे हैं, मोहब्बत की कहानी जो उनसे है, मोहब्बत का कोई वाकया अगर है तो हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं, जानना चाहते हैं मोहब्बत का वाकया भी है या नहीं हुई है? नहीं मुझे अभी तक तो नहीं हुई। हाँ वो कहते हैं ना छोटे होते गलती हो जाती है, मेरे से गलती हुई थी और अभी तक दोबारा वो मैंने गलती नहीं की अभी तक। शेयर करें क्या वजह थी दोबारा जो गलती नहीं किया? गलती ये थी मेरी एक शख्स थे उनसे मेरी फ्रेंडशिप थी तो वो मुझे चाहते थे कि मैं बाहर ना जाऊं और ऐसे कपड़े ना पहनूं, कुछ भी ना करूं, बस एक घर में बैठी रहूं, और इसी वजह से मैं टेरेस में गई, मैंने शॉर्ट्स पहने हुए थे, मुझे शॉर्ट्स कपड़ों का बहुत शौक़ है क्योंकि मैं इनमें इजी रहती हूं, तो उन्होंने मुझे मारा तो उसके बाद मैंने उनसे दोस्ती ख़त्म कर दी। इसके अलावा कोई और अगर मैसेज वगैरह आप देना चाहती हैं, कोई और बात करना चाहती हैं? और मैं आवाम को ये कहना चाहूँगी कि देखें आप हमारे मुआशरे में हमें बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता, आज जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ ऐसे अगर आपके मोहल्ले में भी कोई शीमिल है तो उसे इज़्ज़त दें, अगर आपके घर में भी है तो उसे इज़्ज़त दें, क्या पता वो आने वाले वक्त की रिमल अली शाह हो। अच्छा तो रिमल शाह अब हमें ये बताएं कि आपकी रूटीन क्या है, सोती कितने बजे हैं, जागती कितने बजे हैं, फंक्शन की क्या टाइमिंग है, और आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक दिन में आपको बाजू का 3-3, 4-4 फंक्शंस की भी ऑफर्स होती हैं, तो इसको कैसे आप मैनेज करते हैं? रूटीन मेरी डेली की ये है कि हमारी रूटीन शुरू से ही बचपन से ही बनी होती है कि हमने फंक्शंस रात को करने होते हैं, इसलिए हमें रात को जागना होता है और सारा दिन हमने सोना होता है,
तो जिस दिन हमारे फंक्शन 3-4 दिन फंक्शन नहीं होते उस दिन फिर मैं जल्दी उठ जाती हूँ, 2-3 बजे उठ के अपने गुरुओं के पास आती हूँ, अपनी सहेलियों को टाइम देती हूँ, फिर एक दिन जब अंदर फ्री होता है अपने फैमिली मेम्बर्स के पास घूमने फिरने जाती हूँ कभी कहीं कभी कहीं। तो बस मेरी रूटीन ये है। और जिस दिन हमारे 3-3, 4-4 फंक्शन हो, 3-4 फंक्शन तो मैं हैंडल नहीं कर सकती, हाँ 2 फंक्शंस मैंने हैंडल किए हैं तब मैं उन्हें देती हूँ टाइमिंग। टाइमिंग ये होती है कि 8 से लेकर 10 बजे तक की टाइमिंग में एक फंक्शन और 11 बजे से लेकर 2 बजे की टाइमिंग में एक दूसरा फंक्शन, इस तरह हैंडल करते हैं हम। तो आपका स्टार क्या है, लिब्रा, विर्गो, स्कॉर्पियो, कौन सा स्टार आपका? मेरा स्टार लियो है। मुझे पहले ही पता लग गया मेरा लियो है। मेरा जन्म था कि या तो आपका लियो होगा या लिब्रा होगा या स्कॉर्पियो होगा, ये तीन मेरा लियो है स्टार। मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि मैंने कहा शायद कहीं गलत ना हो जाए, लेकिन लियो जी लियो है मेरा स्टार। गुस्से वाले हैं, कहता कि बस हमारी सल्तनत हो, हमारी बादशाहत हो, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। स्टार मेरा जैसा है वैसे मैं बिल्कुल नहीं हूँ। गुस्से वाली तो नहीं है? नहीं, मैं गुस्से वाली नहीं हूँ। रोब शोब डालने वाली तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोब डालते होते हैं? मुझे देखे आपको लगता है मैं रोब वाली होंगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा तो पापा मुझे ये बताएं कि आप गरीबों के लिए भी कुछ करती हैं, अल्लाह ताला ने इतना नवाजा हुआ आपको, गरीबों के लिए भी कोई आप कुछ कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमेरात के जुमेरात हम न्याज दिलवाते हैं डेरे पे भी, अपने फैमिली होम में भी, मेरे भाई भी, मेरे वालिद भी और मेरे गुरु भी, मेरे डेरे पे भी हर जुमेरात की जुमेरात न्याज होती है माशाल्लाह। माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। अच्छा तो एक चीज़ हम ये भी पूछना चाहते हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि जब आप कुछ भी फंक्शन लेती हैं उसका मुआवजा आपको मिलता है तो कितने लोगों में तकसीम होता है आपको मुआवजा? उसका मुआवजा सिर्फ मेरे पास ही आता है, मैं अपने गुरु को, मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं जो मर्जी दूँ, और मेरे जो हेल्पर्स हैं उनकी भी मैंने मंथली पेज रखी हुई हैं, उन्हें मैं मंथ की मंथ पे करती हूँ, और गुरु के साथ मैं कोऑपरेट करती हूँ, गुरु मेरे बहुत अच्छे हैं वो मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, मैं उनके साथ कोऑपरेट करती हूँ जी। पेरेंट्स का रवैया आपके साथ कैसा? अब तो माशाल्लाह आपको फेम मिल गया, इज्जत मिल गई, अब तो ज़ाहिर बात है वो आप देने वाले हाथ में आप चली गई हैं, तो कैसा रवैया शुरू में, कैसा रवैया था, अब जब शोहरत मिल गई अब कैसा रवैया? शुरू में काफ़ी मुश्किलात हुई थी वालदेन की तरफ से, बहुत मतलब मार भी पड़ी कि इस फील्ड को आपको पता है कि पाकिस्तान में नहीं अच्छा समझा जाता, तो मुझे काफ़ी मार भी पड़ी, लेकिन अभी मेरे वालदेन मुझे फिर अप्रिशिएट करने लग पड़े, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, अप्रिशिएट अभी तक वो मुझे अप्रिशिएट करें, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो अपने वालदेन की वजह से ही पहुँची हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात की आपने। अच्छा रिमल साहब रहती कहाँ पर, आपका असल शहर कौन सा है? क्योंकि अक्सर देखते हैं कोई कहता है कि आप फैसलाबाद की हैं, गुजरा की हैं, कोई आपको मुल्तानी हूर भी कहता है, आप खुद बताएं आप किस शहर से ताल्लुक़ रखती हैं? जी मैं बेसिकली जो हूँ मैं फैसलाबाद से हूँ, मेरी रिहाइश भी फैसलाबाद में है और मैं शुरू से ही मेरी जो पैदाइश है वो फैसलाबाद में ही पैदाइश है मेरी, अभी रिहाइश भी मेरी माशाल्लाह फैसलाबाद में ही है। तो घर आपने भी फैसलाबाद में बनाया हुआ? जी हाँ जी, घर भी मेरा फैसलाबाद में ही है। कितने को घर बनाए हुए हैं आपने? घर तो कहते हैं घर चाहे रहने वाले उसमें हो तो एक ही काफ़ी होता है, मेरा एक ही घर है जी, फैमिली मेंबर्स के लिए मेरा अलहदा है और मेरा अपना घर है और डेरा जो है वो मेरा अलहदा है, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने फैमिली होम में ही होती हूँ क्योंकि दूसरे घरों में मैं अकेली होती हूँ और इधर मेरे गुरु होते हैं, तो मैं ज़्यादातर फैमिली की तरफ ही तवज्जो करती हूँ अपने आप को जी। तो इसके अलावा आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या हॉबीज़ हैं आपकी, जब आप फ्री होती हैं क्या करती हैं इंटरनेट पर और क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं? मुझे टिकटॉक बनाने का बहुत शौक है। मैं टिकटॉक बनाती हूँ और डांसिंग का मुझे बहुत शौक है, न्यू स्टेप्स देखती हूँ, मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक है और कार्टून्स देखने का भी बहुत शौक है मुझे। हाँ डोरेमोन और टॉम एंड जेरी, थंबलीना, बार्बीज वाले कार्टून ये मुझे बहुत पसंद है। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी फेवरेट मूवी है एलिस इन द वंडरलैंड। अच्छा जी, फेवरेट हीरो कौन है आपका? फेवरेट हीरो आप चाहे कि मैं इसके साथ काम करने की ख्वाहिशमंद हूँ, अगर मुझे मौका मिले मैं इसके साथ काम करूँगी, इमरान हाशमी है, संजय दत्त है, सलमान खान है, किसके साथ आप काम करना पसंद करते हैं या पाकिस्तानी कोई बताएं? फिलहाल तो मेरा कोई भी ऐसा हीरो फेवरेट नहीं है, मैं किसी के हूँ तो पता नहीं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, करोड़ों लोगों के दिलों की आप धड़कन है, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। तो ड्राइविंग जब आप करती हैं कोई लाइसेंस वगैरह बनाया हुआ है या खाली ड्राइवर के ऊपर ही भरोसा करती हैं? नहीं मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी है और ड्राइवर का भी है, तो
जब ड्राइवर थक जाता है तब मैं भी उसके साथ कंप्रोमाइज़ करती हूँ, क्योंकि हम इतनी इतनी दूर जाते हैं फंक्शंस पे, तो इतने घंटों का सफ़र एक ड्राइवर नहीं कर सकता, तो फिर मैं भी ड्राइव कर लेती हूँ। जी रिमल अलीशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। हम वंस अगेन आपके थैंकफुल हैं कि पहला इंटरव्यू Paak TV पर आपके सामने आ रहा है, और जितना थैंकफुल रहें उतना कम है। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। जी व्यूअर्स, तो ये थी रिमल अलीशा, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी है, सब कुछ उन्होंने अपने बारे में बताया। यकीनन आपको ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।